नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूँ खेमेंद्र और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर मैं आया हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के सामने। क्या है ये खबर, किन स्टूडेंट्स के लिए ये फायदेमंद हो सकती है, आइए जानते हैं। तो देखो यार, बिग अपडेट फॉर राजस्थान जेई एग्जाम। तो स्पेशली जो लोग राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट ये होने वाली है। चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, सिविल मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, क्योंकि राजस्थान जेई एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट अभी अभी आज ही के दिन आई है। तो आइए बात करते हैं क्या ये अपडेट है और क्या पूरा का पूरा सिनेरियो है इस पर्टिकुलर वीडियो में। बेसिकली इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि बहुत ही अच्छे पद पे हैं और चेयरमैन हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मिस्टर आलोक राज जी हैं, और जो आलोक राज जी हैं ये चेयरमैन हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के। जी हाँ, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड वो डिपार्टमेंट होता है जो राजस्थान में अलग अलग इंजीनियर्स की भर्ती के लिए और अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। तो इनके चेयरमैन हैं और ट्विटर पे इनकी काफ़ी अच्छी खासी फॉलोइंग भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए अच्छे से। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने ट्वीट किया है आज ही, एक्चुअली ट्वीट नहीं किया, बेसिकली एक रिप्लाई दिया है, और उस रिप्लाई के बारे में जानते हैं वो रिप्लाई क्या था। तो ये वो रिप्लाई है जो कि अपने आप में ही काफ़ी ट्रेंडिंग हो चुका है। तो क्या इन्होंने बोला है उसके बारे में समझते हैं। JEN भर्ती, तो बेसिकली राजस्थान स्टेट सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट RSSMB की जो वैकेंसी होती है उसकी ये बात कर रहे हैं, ठीक है। राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। राजस्थान स्टेट जो RSSMB वाला जो एग्जामिनेशन होता है उसकी बात यहाँ पर चल रही है, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के पोस्ट के लिए। एग्जाम डेट्स क्या बता दी है भैया, 6, 7, 8, 9 फरवरी 2025। तो RSSMB JEE का एग्जामिनेशन की डेट, जिसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होते हैं, बीटेक का अलग एग्जाम होता है और डिप्लोमा का अलग एग्जाम होता है, तो उनकी एग्जाम की डेट इन्होंने बता दी है फरवरी, 6, 7, 8, 9 फरवरी को। कैलेंडर ऑन द वेबसाइट, जो कैलेंडर है, कंप्लीट कैलेंडर है, वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा टुडे और बाय मंडे। तो हम लगभग मंडे का तक का वेट कर लेते हैं कि आपका जो कैलेंडर है यहाँ पर आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज तो खैर अभी नहीं पता चलेगी, वो तो आपको जब ही पता चलेगी जब आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। नोटिफिकेशन जो है नेक्स्ट मंथ में आपका आ जाना चाहिए, नोटिफिकेशन आपका लगभग नेक्स्ट मंथ में आ जाना चाहिए। और इन्होंने भी कह दिया है स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तो यार, एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पे बड़े व्यक्ति ने ये बात हमसे कही है कि अब तैयारी का समय आ चुका है। कई सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर मैं अदर स्टेट से हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, ये इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो खैर नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम आपको दे सकते हैं। वैसे पिछली बार जब ये पेपर हुआ था उसके हिसाब से मैं बता दूँ कि अदर स्टेट वहाँ पर एलिजिबल था, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी के फायदे स्टेट में नहीं मिलते हैं, आप एज ए जनरल ही फिर काउंट करा जाता है आपको, क्लियर बात है। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी मिस्टर आलोक राज जी के ट्विटर से, ये खबर मैं लेकर आया हूँ। एंड इट इज अ वेरी बिग अपडेट फॉर द RSSMB एग्जामिनेशन, JEE एग्जामिनेशन, जो कि जिसके लिए बच्चे काफी वेट कर रहे थे। इवन इलेक्ट्रिकल का काफी सारे बच्चे तो यहाँ पर है ही, सिविल के बच्चे बहुत टाइम से वेट करते हैं इस एग्जाम का। इलेक्ट्रिकल में देखते हैं कितनी नंबर ऑफ पोस्ट होगी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रिकल में 200-300 वैकेंसीज है तो दैट इज अ वेरी गुड नंबर, बट इट इज वेरी अर्ली टू से ऑल दिस, क्योंकि अभी तक जो नोटिफिकेशन जब आएगा उसके बाद ये सब बातें करी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बट दिस इज अ गुड न्यूज, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर करते रहिए और लगे रहिए अपने तैयारी में। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए 10 अगस्त से पहले पहले अगर हमारे कोर्स आप परचेज करते हैं RRBJEE या फिर के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, या फिर और भी बहुत सारे बैचेस हमारे चल रहे हैं AEJEE कैटेगरी में, विद्युत बैच चल रहा है, SSCJEE का बैच चल रहा है, तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, जिसमें अंकित सर ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, मैं भी अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन वहाँ पर दे रहा हूँ, और आप लोगों को जो बेस्ट कंटेंट है बेस्ट क्वालिटी के साथ मिल रहा है।
तो अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो जरूर इट इज योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस एग्जाम रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल के ऊपर अपडेट करता रहूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।